एक ही सेक्टर के लोग आएंगे तो फिर यार हमें पता है आप कितने पानी में, हम कितने पानी में, और हमें करना क्या है। आपका गुस्सा इतना होगा, मेरा गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा, पर क्या मैं हर बात पे रिएक्ट करूंगी? नहीं। क्या हर बार उस ट्रिगर पे अपने आप को ट्रिगर करूंगी? नहीं, इतनी बेवकूफ भी नहीं। तब भौंकर आप उसके सामने बैठ के भौंकने नहीं लग जाओगे। जब मुझे पहली बार बिग बॉस का कॉल आया तो थोड़ा अनबिलीवेबल सा था। बात हुई कि बिग बॉस से बात कर रहे हैं, कैन वी मीट, ये वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मतलब उस टाइम बड़ी रैंडम बात हुई कि मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे यहाँ रोज शूट कर रही हूँ फिल्म सिटी में, तो आप बताएं। तो बिकॉज टाइम ऑफ लेना शूट से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि तितली में भी मेरा रोल काफ़ी डिमांडिंग था। तो बोला ओके हम वहीं पे मिल लेंगे। तो मैंने कहा देन प्रेफरेबल लंच ब्रेक में मिलो, कि मेरा काम भी असर ना करे, हमारी मीटिंग भी आराम से हो जाए। वो सब किया, मीटिंग पे गए, जनरल ऐसे ही बातचीत हुई। आई थिंक वो भी गेज कर रहे थे कि ये कैसी है, ये क्या है, या जो भी। तो उस फोन कॉल से उस मीटिंग तक ऑफकोर्स वो विचार आया कि मैं क्यों मिल रही हूँ, क्या मुझे मिलना है, और अगर मिलना है तो क्यों मिलना है। नॉट कि मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, बट एक तो बड़ा रैंडम था, तो ऐसा नहीं था अच्छा मैं सोच के बताती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ और यहाँ मेरे दरवाजे पे असिस्टेंट खड़े थे कि चलिए शॉट रेडी है। तो इट हैड टू बी लाइक हाँ हाँ ओके ओके वी मीट यू नो। सो इट वॉज जस्ट दैट कि देखते क्या होगा, उतना भी थॉट नहीं आया था एक्चुअली। खैर फिर जब सोचा कि क्यों, तो ऐसा लगा कि आई थिंक समवेयर जो मेरी जर्नी रही है लाइफ की, अप्स एंड डाउन्स, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ हुआ है, उसको ये किया कि हाँ, तो मेरी इस जर्नी ने मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी में मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया खुद के लिए, यू नो। पहले मैं बड़ी ऐसे थी, हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है। बट आपकी ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है कि हर चीज़ ठीक है नहीं होती। सो आई थिंक तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, जब पहले एक बार हमारी बात हुई थी, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। कि एक मेंटल ब्लॉक भी था शो को देखकर, ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सा है। प्लस जो मैं टीवी पे करती हूँ वो मैं किरदार करती हूँ, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे बखूबी निभाना है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ आपको अपनी असलियत लेकर आनी है, आपको अपना अस्तित्व दिखाना है। तो हम कोई अच्छे अच्छे तो ज़िंदगी में कोई नहीं होता, कुछ बुराइयाँ कुछ फ्लॉज तो हम में भी है। तो आई थिंक कहीं मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी मेंटली, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस टाइम आने के लिए। एंड आई थिंक अभी ये जो हुआ, ये जो कॉल आई और हाँ बोला और हम मिले और फिर उनका मैसेज आया, फिर मेल आया, फिर ये आया, फिर तो वो ऑर्गेनिकली सब चलता गया। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे बैठी हूँ और गंभीरता से इस बारे में सोच रही हूँ, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। बट हाँ ये सवाल मैंने ज़रूर किया कि अब मैं क्यों जाना चाहती हूँ, अब मैं क्यों अपने आप को दर्शाऊँ। तो मुझे लगा नहीं यार इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि दुनिया मुझे ना देखे, यू नो, एज रिंकू धवन। तो आई थिंक बस ये एक हल्का सा ख्याल आया, एंड आई थिंक मेंटली थोड़ा स्ट्रेंथ भी बढ़ गई फ्रॉम देन टू नाउ कि इस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी है। तो बड़ा ऑर्गेनिकली हर चीज़ ये टर्न अप हुई कि हाँ हो गया, हाँ बिल्कुल वैसे ही, मतलब कल तक बिल्कुल ऐसे ही गया सब कुछ। मतलब देर हैज़ बीन नो टाइम टू, इनफैक्ट जैसे यू नो उनके साथ इंटरेक्शंस हुए हैं उनकी टीम से, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं आर यू एक्साइटेड, और मैं ऐसे बोल रही हूँ इट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टेड। कि मतलब मुझे तो मैंने बोला ऐसे मुझे शायद यू नो कई बार हम चीज़ों के लिए हाँ बोल देते पर हमें प्रोसेस नहीं होता कि हमने किया क्या है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे वो वक्त मिला इस चीज़ को प्रोसेस करने का कि मैं कहाँ जा रही हूँ, या मैं क्यों जा रही हूँ, या अब क्या, या ओ वाओ। मैंने कहा मुझे वो प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला है। सो इन शॉर्ट आज मेरा पहला दिन है जब मैं ऐसे रिलैक्स्ड हूँ, हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ है, बट एटलीस्ट इट्स नॉट लाइक शूट भी चल रही है, डायलॉग भी लर्न करने, शॉट भी देना है, इमोशन भी करना है, यहाँ पर दिमाग से
केयरफुली सारी चीज़ें भी इंटरेक्ट करनी है, यू नो कि यू आर नॉट गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, डॉक्यूमेंटेशन राइट हो रहा है. सो या तो ऑनेस्टली वो प्रोसेस नहीं कर पाई मैं. बट कहीं भी इस दौरान भी ये जो भी 4-5 दिन ही हुए हैं हमारी ये सारी बातें होकर, या तो प्रोसेस नहीं हुआ है या मैं वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मतलब मुझे घबराहट नहीं हो रही है, ना मुझे कोई एंग्जाइटी हो रही है, ना कोई नर्वसनेस हो रही है, ना कुछ. हाँ, अब उस दरवाजे पे जब खड़ी रहूंगी और क्या फील करूंगी ये तो वो मोमेंट ही बताएगा कि इट बी लाइक हे भगवान या ओ गॉड वाओ, आई डोंट नो क्या निकलेगा मुंह से. देखो, इमोशंस ऐसी चीज है कि हम कंट्रोल करने की जरूर कोशिश करते हैं और मैं भी करूंगी, क्योंकि और इमोशंस दिखाना इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, यू नो. जो मैंने पहले बिग बॉस में देखा कि अरे ये तो इमोशनल है, ये वीक है, इसका ये ट्रिगर पॉइंट है. हर जिंदगी में हर किसी का एक ट्रिगर पॉइंट या एक इमोशनल लेवल तो सबका ही है यार, मतलब कोई भी अलग नहीं है. ठीक है, कोई जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई बहुत देर बाद होता है, कोई इतना स्ट्रांग होता है कि नहीं दिखाता. तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो, और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वो तो है ही इमोशन से भरा हुआ, चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कंपैशन हो. तो इमोशंस तो हैं, इमोशनली स्ट्रांग भी रहना है ऑब्वियसली, पर अगर इमोशन दिखाना मतलब नॉट लाइक कि मेरे को किसी को दिखाना है, पर अगर उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि आप इमोशनल हो गए तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है. इनफैक्ट अच्छा है वो निकल जाए, यू नो, जो मन में कुछ भी होगा. तो आई टेल यू, जब मैं नहीं रेडी थी, जैसे हम घर में भी चर्चा करते भाई बिग बॉस देख रहे हैं तो घर वाले बोलते अरे यार तुझे भी जाना चाहिए, प्लीज इट्स ऑन माय टाइम. तो ये हमने भी बोला है क्योंकि जो हमने देखा, लाइक आई सेड, इट इज यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग टू गो देयर. मैं नहीं कहूंगी मैं तब मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं थी. यस, एज यू ग्रो, एज योर एक्सपीरियंसेस कम, यू बिकम बेटर फॉर द बेटरमेंट ओनली, यू नो. तो पर तब भी मैं रेडी नहीं थी उसके लिए. तो मुझे लगता था यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, यू नो हाउ दे कैन झगड़ा कर रहे हैं. तो अब झगड़े में आप किसी को कैसे जज करो कि यार सामने वाला ने कितनी बकवास कर ली, कैसे आप जज कर सकते हो? आपके लिए वो झगड़ा इतना होगा, मेरे लिए वो बहुत बड़ा पॉइंट होगा ऑफ फाइटिंग. आपका गुस्सा इतना होगा, मेरा गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा. तो ये तो ह्यूमन नेचर है, इसे कैसे जज करो कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया या उसने ओवर रिएक्ट किया. अरे पर बेबी शायद उसका कुछ ट्रिगर पॉइंट होगा जो उसने ओवर रिएक्ट किया और वो हाँ 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 करके चल पड़ी, कि वो ऐसे होगी कि भाई मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, मुझे निकलना है यहाँ से, क्योंकि ये एस्केलेट होगा तो मेरा ट्रिगर पॉइंट दब सकता है और मेरा एक अलग रूप आ सकता है. सो द होल आइडिया ऑफ सेइंग कि इट इज़ नॉट माई टाइम, आई थिंक वॉज ऑलवेज दीज फाइट्स. और अब अक्सर किसी भी ऑडियंस से जितने मैंने सुने हैं, जो चर्चाएँ आस पास चलती हैं, यही सुने कि यार कैसे लड़ते हैं, यार कैसे लड़ते हैं, मतलब. और अक्सर मैंने देखा है वही ऑडियंस उस टाइम म्यूट कर देती है. तो फिर हम क्या दिखा रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हो और आप देखना क्या चाहते हो? नहीं, अभी पूरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया है, आप OTT बोलो, आप यूट्यूबर्स बोलो, आप यू नो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस, देयर सो मच हैपनिंग नाउ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स, जैसे भी आप बोलो, सेक्टर्स तो हैं, सब कुछ है. अब उसे सुन के मुझे कैसा लगा, आई थिंक इट्स एक्साइटिंग, यू नो. मैंने कभी वो चीज़ की नहीं है तो मुझे नहीं पता वो कैसे होता है. एंड आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एक सोलो इंसान को एक कंटेंट सोच कर एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देयर ऑडियंस और टू यू नो अट्रैक्ट योर ऑडियंस ऑल्सो. इट्स अ सेल्फ हार्ड वर्क यार, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी हमसे ना हो पाएगा. सो इट्स लाइक या एक्साइटिंग, इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल दैट आर कमिंग, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू बिहेवियर्स. आई एम श्योर दे विल बी द यंगर लॉट. तो ऐसा नहीं, हम भी किसी टाइम जवान थे, पर ठीक है, आज की जनरेशन क्या है, उनसे देखिए भाई क्या सोच विचार है, कैसे है वो. ठीक है यार, आई मीन इट्स अ गेम, इट्स अ कॉम्पिटिशन, हर कोई जीतने आ रहा है. एंड इट्स नाइस टू हैव इंटरेस्टिंग कम्पिटिटर्स. एक ही सेक्टर के लोग आएंगे तो फिर यार हमें पता है आप कितने पानी में, हम कितने पानी में, और हमें करना क्या है.
यू नो, तो वो चैलेंज हो जाता है कि भाई इस दुनिया के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, मे बी मेरे को कंटेस्टेंट्स जो होंगे उन्हें पता होगा, वो अवेयर होंगे, पर ऑनेस्टली मुझे नहीं पता. बट आई ऑलवेज से हैट्स ऑफ टू यार, सब अपना करके ही कुछ ना कुछ आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं, सीधी सी बात है. मुझे तो शिल्पा बड़ी अच्छी लगी, वो मैंने फॉलो किया था. विकास भी अच्छा लगा था मुझे, और मुझे लास्ट जो हमारा सीजन गया है उसमें मुझे डेफिनेटली साजिद खान अच्छे लगे, एंड अब्दुल रोजिक वॉज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट बिग बॉस लास्ट सीजन. सो ही पुल्ड मी कि अरे यार ये कौन है, बड़ा क्यूट है. तो उसकी वजह से मैंने वो सीजन पूरा देखा, एंड देन ऑफकोर्स देखते देखते आपको दूसरे कंटेस्टेंट्स में भी इंटरेस्ट आता है. तो मुझे साजिद खान अच्छे लगे, अब्दुल अच्छा लगा, शिव ठाकरे ऑफकोर्स अच्छे लगे, बहुत बहुत. आई थिंक ही प्लेड टू वॉट ही वॉज, यू नो, ऐसे नहीं कि हम जानते, पर जो जितना देखा ऐसे लगा स्टार्ट टू एंड यार बंदा वही था, यू नो. ठीक है, मुद्दे थे, जो भी था, एक कॉन्टेंट है, उस कॉन्टेंट के लिए हमें बहुत चीज़ें करनी है ताकि वो कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग हो. और वहाँ जितने कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉन्टेस्टेंट क्या कहते हैं कॉन्टेंट को इंटरेस्टिंग बनाए फॉर द ऑडियंस. अपने लिए तो करेंगे पर हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ही ऑडियंस हमें देखना चाहिए. एंड आई थिंक शिव ठाकरे डिड एवरीथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड एंड वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड. जबरदस्ती की भसड़ में नहीं घुसा. सो आई थिंक आई कुड आइडेंटिफाई मोर कि यार हर बैटल मेरी बैटल नहीं हो सकती, हर लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं हो सकती. You know, to have an opinion is one thing, but do I want to get into that fight is a choice I have to make. Yes. कि ये मेरी लड़ाई नहीं है. ठीक है, but I'm saying अरे नहीं यार, तुमने ना ये सही नहीं करी, तुमने ये गलत बोला. ये opinion देना मेरा काम है. और opinion देके हट जाओ कि भाई ये तुम्हारा है, ये तुम सेट करो. फिर उसके बाद जो होगा देखेंगे. तो मतलब usually हम जाके handshake करेंगे, पर अंत में वो मेरा हाथ पकड़ ही लेंगे. तो मैं तो बस उसी thought में बड़ी खुश हूँ कि लाइक ए या मैंने ऑफकोर्स बिग बॉस को लेके मेरा हमेशा रहता था यार मंडे टू फ्राइडे मुझे नहीं करना, सैटरडे संडे मुझे ले जाओ कि मैं सलमान खान के साथ बात करूँ. एंड डेफिनेटली अ बिग रीजन टू वॉच बिग बॉस जो भी मैंने देखा है. और कई बार ऐसा भी हुआ है मैंने पूरा हफ्ता नहीं देखा, मुझे नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्यों भसड़ मची है, क्या ये वो, बट सैटरडे मैं बैठ जाती थी कि सलमान खान आने वाले और क्यों किसी की क्लास ली जा रही है या किसी को जो जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता होता था. तो मैं मम्मी को पूछती थी ये क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने क्या किया. बट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू वॉच सलमान खान सो आई वुड वॉच सैटरडे कि नहीं मुझे सलमान खान को देखता. तो ही हैज बीन माय बिग अट्रैक्शन टू वॉच बिग बॉस. एंड ऑफकोर्स ही इज गोइंग टू बी देयर नाउ एंड मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी लाइफ में फर्स्ट टाइम. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ठीक है, मैं आउटडोर शूट पर जा रही हूँ 3.5-4 महीने के लिए और मुझे शेड्यूल ख़त्म करना है. मैं अपनी कोई भी शूटिंग छोड़ के बीच में नहीं आती. घर वाले हैं, याद आएगी. नॉर्मल में आप बात कर ले तो यहाँ नहीं कर पाओगे, इसे मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. यस, कहीं बैठेंगे कहीं रोएंगे, जब बहुत याद आएगी ऐसा होगा तो यार दिल भरेगा, आंसू निकलेंगे, तो वो नेचुरल है. दैट्स अ मदर्स इंस्टिंक्ट टूवर्ड्स द सन और माई ओन मदर एज हर डॉटर. सो डिफिकल्ट नहीं है, नहीं बनाना है. तो अपने आप को मेंटली उतना अलर्ट करना है कि मैं एक शूटिंग पे गई हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी 104 दिन 105 दिन जो भी नंबर ऑफ डेज होते हैं मुझे उतने दिन काम करके निकलना है. कांट लीव द शेड्यूल इन बिटवीन. सो आई एम क्लियर एंड फोकस्ड विद दैट. देखो जज करना तो ऑडियंस का काम है. अब वहाँ पे जो अच्छी अच्छी दोस्तियाँ बनी होंगी है ना, ऑब्वियसली उस गेम के दौरान बनी है, तो उस गेम में हमने एक दूसरे का साथ भी पकड़ा है और उसमें उसी गेम में हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े रहे हैं. बट ह्यूमन नेचर जब आप बोलते हो तो डेफिनेटली कुछ तो एक कनेक्ट होगा ना, जब वो दो इंसान या वो तीन इंसान लगातार साथ में बैठे होते हैं तो कुछ तो कॉमन फैक्टर होंगे, चाहे गेम को लेके. इट्स नॉट अच्छा, वो अगर गेम एक सब्जेक्ट गेम भी है पर वो ह्यूमन कनेक्ट तो है ना कि भाई आई फील आई कनेक्ट विद दिस. हम शूटिंग पे जाते हैं तो हर कोई हमारा अच्छा दोस्त नहीं बन जाता. अब जैसे मैं तितली में शूट कर रही थी तो मेरा कनेक्ट जो मेरी बहन का रोल कर रही है विवाना सिंह, तो ऐसा नहीं है मेरा जाते ही उनसे कनेक्ट हो गया. टुक सम टाइम बट अगर आप और अच्छा हम जब बैठते थे बातें करते कनेक्ट कैसे होगा, यही कनेक्ट होगा ना कि भाई काम की बात कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सीन के बारे में बात कर रहे हैं,
फिर धीरे धीरे आप एक दूसरे के बाद पर्सनल लाइफ में जानना शुरू करो, बट कनेक्ट तो वहीं से हुआ ना, इसलिए आप बार बार उसी इंसान के साथ, अरे कम सिट विथ मी, आप करने वाले हो वो सीन कोई, आप तुरंत किसी के घर पे नहीं जाते, तो ऑब्वियसली बट वो जब कनेक्ट बनता है, क्योंकि आपको वो एक ह्यूमन कनेक्ट, एक वो हार्ट कनेक्ट होता है कि हाँ यार मुझे अच्छा लगा, या ये बंदी अच्छी लगी, उसके बिहेवियर से अच्छी लगी, या शायद वो जो करके आए हैं इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. सो आई डोंट नो इफ दिस इज अ यूट्यूबर, और वो कभी बात हुई बोलेंगे आई हैव डन दिस, तो मुझे जब पता ही नहीं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी कि यार कमाल है यार तुम तो सोलो हैंडेड इतना कॉन्टेंट, तो मेरे लिए वो बहुत अट्रैक्टिव चीज हो सकती है, एंड दैट कैन बी माई कनेक्टिंग पॉइंट टू हिम. अब वो तीन हफ्ते बाद वो कनेक्ट चेंज हो, ये किसे पता, तो जब ट्रिगर होंगी तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और दुनिया को भी पता चलेगा कि इसने क्या किया. सो ऑनेस्टली देर इज नो प्री प्लान कि मुझे कोई ट्रिगर, देखो हर कोई यही सोच के रहता है भाई मुझे ट्रिगर करेगा, मुझे ना ट्रिगर नहीं होना, मुझे ट्रिगर नहीं होना, मुझे ट्रिगर नहीं होना, पर अगर मैं ट्रिगर होंगी तो मैं रिएक्ट करूंगी, क्योंकि फिर वो मैं हूँ और आप मुझे देखना चाहते हो. पर क्या मैं हर बात पर रिएक्ट करूंगी, नहीं. क्या हर बार उस ट्रिगर पे अपने आप को ट्रिगर करूंगी, नहीं. इतनी बेवकूफ भी नहीं, चार बार हटूंगी, पांचवी बार बोलूंगी, या शायद ना ही बोलूं, या शायद इग्नोर ही कर दूं, या शायद बैठ भाई तू बोल ली जा मैं सुनिया ही नहीं, यू नो. सीधी सी बात है, कुत्ता भौंक रहा है उसके सामने बैठ के भौंकने नहीं लग जाओगे, वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है, उनकी प्लानिंग ज्यादा है, हमने बिग बॉस देखा है, उसने ऐसा किया था, तू ऐसा नहीं करना, वो ऐसे करती थी तू भी ऐसा ही करना, ये करना, अफेयर करना, ओहो. क्योंकि उन्होंने तो, वो तो मुझे लगता है अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज में फॉलो कर पाते तो वो बिग बॉस भी देखते हैं. मेरी मम्मी तो OTT भी देखती है, टीवी वाले बिग बॉस भी देखती है, मराठी बिग बॉस भी देखती है. तो मराठी बिग बॉस तो खैर एक बार मैंने भी उनके साथ बैठ के देखा था, पहला वाला जब आया था मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू, इट वॉज वेरी फ्रेश. एंड ठीक है, आप कितने भी बिग बॉस देख लो, वहाँ जाकर तो आप रेलेवेंस क्या ही करोगे, मतलब मुझे नहीं पता, शायद लोग करते भी इतना दिमाग में रखते हैं कि हाँ यार फलाने की सिचुएशन हुई थी, फलाने ने ऐसे, मेरे को तो कुछ याद नहीं रहता. मैं तो शायद आज आपसे लड़ाई हो जाए, दो दिन बाद मैं बोलूँगी हाय क्या कर रहे हैं, चल कॉफ़ी पियेंगे, तो बंदा होगा अच्छा, मैं बोलूँ क्यों भाई अपनी लड़ाई हुई है, किस बात पर हुई है. तो मेरा तो वैसा वाला हाल है, तो मुझे ये भी मिलता है याद रखना सब कुछ क्या हो रहा है. सो यार ज्ञान तो बहुत मिलता है घर से, एंड ऑनेस्टली बेचारे वो बोलते रहते हैं और मैं अपने काम करती रहती हूँ. हाँ वो तो, उनका तो रोना पिटना चालू हो गया है, हाँ ये जा रही है, हाँ ये जा रही है. मैंने कहा मतलब पहले ये था तू भी जा तू भी जा तू भी जा, अब मैं जा रही तो हाँ ये जा रही है, हाँ ये जा रही है. मैंने कहा मतलब क्या जाके वापस आ जाऊँ, ऐसे इतने सालों से जो मैनिफेस्ट किया आज हो रहा है ना, ऐसे नॉट जस्ट से डोंट कम बैक, कम बैक ऑन द लास्ट डे, मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स. सलमान सर को लेके तो क्या ही बोले, तमीज में रहना, ज्यादा उछलना नहीं, उनको बोलने देना, तुम मत बोलना. नहीं यार देखो, टारगेट वारगेट कोई किसी को नहीं करता है, आप खुद अपने आप को टारगेट बनाते हो, फिर वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो. तो जब अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो टारगेट नहीं है, सो वाई इज टारगेट सच अ नेगेटिव वर्ड. आई बिलीव व्हाट आई एम सीइंग इज व्हाट आई एम सेइंग. आपको करता हुआ कुछ देखा, कुछ मैन्युपुलेट किया और बोला कुछ भलता ही, ऐसा नहीं हो रहा है. जो आपने किया वो मैंने देखा, वो मैंने सुना और उस पर मैंने अपना एक ओपिनियन या एक एडवाइस क्रिएट किया, लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. हाँ मैं बोलूँगी आप मुझे टारगेट करो, पर वो तो घर वालों को देख रहे हैं, उसका माइंडसेट भी देखना है, तो उसका भी देखना है, तो आपका भी देखना है, तो दुनिया भी देखनी है, तो चैनल भी देखना है, तो फलाना ढिमकन. सो इट के नॉट बी एनी टारगेट. इनफैक्ट आई थिंक they are considering a lot more things and telling you whatever they are. ha main apne aap ko target samajh rahi hu kyunki main to sirf apne bare mein hi soch rahi hu, to mujhe main wo target lag sakti hu, but kya wo mujhe target kar rahe hain? no, I don't think that can happen. agar main bhi ek host hoti kisi bhi show pe, maybe big boss ke show pe, तो यू हैव टू कंसिडर लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसा नहीं कि मैं रिंकू से बात करूँ तो बस रिंकू को, अरे आर्ग्यूमेंट में और भी दो लोग थे, वो पीछे पांचवें ने भी कुछ बोला था, यू नो. अच्छा अब इनको कैसे करे, कैसे किसको क्या समझा, बहुत बड़ी चीज़ है भाई. हाय मैं रिंकू धवन हूँ और मैं बिग बॉस 17 में जा रही हूँ,
और आपने मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया मेरे हर किरदार में जो मैंने निभाया। अब मैं अपने आप को वहाँ लेके आ रही हूँ, खुद को, अपने अस्तित्व को। आई होप कि मैं कोई दिखावा तो नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत भी किया तो 10 दिन बाद मैं रिटेन नहीं कर पाऊँगी। बस उतना ही प्यार चाहिए, उतनी समझ चाहिए। मैं रिएक्ट करूँगी, आप मत करना। So lots of votes for me, lots of love, lots of support to Rinku Dhawan from Big Boss 17. Thank you.